हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा ये नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 11 kg ब्रेकर मशीन। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ब्रेकर मशीन है जिसमें आर्मेचर का दिक्कत है, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये बहुत कार्बन खाता है, लगभग एक दिन में कार्बन खा जाता है, और ये बहुत जोर से स्पार्क आ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और कभी कभी ये चालू हो रहा है, कभी कभी ये बंद हो रहा है। अगर नया कार्बन डाल के चलाएंगे तो एक दिन में ये चला जाता है, मतलब कार्बन पूरा खा जाता है। तो इसका दिक्कत ये होता है कि उसमें कार्बन खाने का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आर्मेचर खराब होता है। तो चलिए इसको खोल दें, मशीन को खोलने के बाद देखेंगे क्या दिक्कत है। अगर आर्मेचर खराब है पूरा तो जरूर हम उसको चेंज कर लेंगे। आज की वीडियो में आपको ये जो टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगा कि 11 kg ब्रेकर मशीन में आर्मेचर परफेक्टली कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम उसका उसके ऊपर जो कवर रहता है जिसको थ्रेड नट बोलते हैं, उसको हम 10 नंबर एलिंकी से खोल लेंगे और फिर 4 स्क्रू खोलेंगे। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे अगर आर्मेचर का साइड खोलना है तो यहाँ पे खोल सकते हो, मटर के ऊपर जो 4 स्क्रू प्लस उसका थ्रेड नट जो 10 नंबर एलिंकी से, मैं उसको खोल लिया। और यहाँ पे देखिए ये जो हाउसिंग में थोड़ा ये जाम हो गया, तो इसको पीट लेने से ये निकल जाता है। कभी कभी इतना हीट होता है तो ये जाम हो जाता है, तो इसके बाद ये प्रॉब्लम भी आता है कभी कभी। उसका जो बेरिंग होल्डर जो कवर रहता है, बेरिंग कवर रहता है, वो कभी कभी पूरा जल भी जाता है, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल जैसी चीज़ें। मैं उसको पीट के निकाल लिया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कार्बन खत्म हो चुका है। इसका प्रॉब्लम मेन कारण ये है कि उसमें आर्मेचर खराब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको आर्मेचर कैसे चेंज करते हैं वो आपको मिलेगा। तो अगर चैनल मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का क्वालिटी का नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आपको नीचे मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, खुद की वेबसाइट है, वहां पे जाके परचेज कर सकते हो। कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको, सभी पावर टूल्स के स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कीजिए। एड्रेस सही से भरिए और पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बिना पेमेंट से आपको पार्ट्स नहीं जाएगा। एड्रेस भरिए, बिल बनाइए, फिर मेरे पास जाएगा, फिर मैं उसको कन्फर्म करने के बाद आपके पास आ जाएगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हो, फिर आपका पार्सल आपके जो लोकेशन है वहां पे पार्सल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका खोलने का 2 टाइप है, अब उसको दोनों तरफ खोल सकते हो। जैसे कि उसका कॉइल का जो कनेक्टर रहता है उसको खोल के पूरा कार्बन होल्डर के साथ उसको निकाल सकते हो, नहीं तो आप उसका ब्रश होल्डर निकाल के भी निकाल सकते हो। इसमें एक फायदा रहता है कि ब्रश होल्डर नहीं निकलता है, उसको फिर बिठाने का कोई झंझट नहीं है। आप ओनली कार्बन होल्डर को, दोनों कार्बन जो रहता है, कार्बन का स्क्रू निकाल के आप आसानी से आर्मेचर निकाल सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है कि उसका ब्रॉल होल्डर के साथ ओनली आपका कॉइल का जो कनेक्टर है उसको निकाल भी सकते हो। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि उसका ब्रॉल होल्डर खोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा अलग अलग चीज आपको दिखाना पड़ता है, जो आपको मर्जी जैसे ही आप करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए मैं उसका कार्बन होल्डर निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दोनों कार्बन होल्डर या फिर कार्बन गाइड निकालने के बाद इसका ये जो आर्मेचर है वो निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ से ये देखिए ये आर्मेचर खराब है, ये 2-3 पॉइंट ये जल गया है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट हो चुका है। और इसमें आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप अगर काम हो रहा है आर्मेचर का तो आप उसका कम्यूटेटर चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको दोबारा नया डालना पड़ेगा, नया आर्मेचर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आर्मेचर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास सबसे अच्छा चीज डंकचिंग का आर्मेचर है, और ये बहुत महंगा आता है, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको ये चाहिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाके परचेज कर दीजिए। सस्ता थे बहुत अच्छा है, अगर आप सस्ता यूज करोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा चीज है, गारंटी है, आप यूज कर सकते हो। मिनिमम 2.5-3 साल यूज करते हो, अगर आप कंटिन्यू काम करे हो 2.5-3 साल जरूर आप यूज कर सकते हो उसको, नहीं तो आप डुप्लीकेट लगाओगे तो 6-7 महीना फिर ये खराब होता है। तो अगर आप कंटिन्यू मशीन चलाते हो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम होता है, तो जरूर इसको ऑर्डर कीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत जल्दी 7-8 दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये बूशिंग को निकाल नहीं सकते हो जिसमें 6200 का बेरिंग लगता है, इसको दोस्तों बूशिंग बोलते हैं। और ये आर्मेचर चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको खोल सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब बहुत लोगों ने इसको खोल नहीं सकते, बेरिंग उसका स्पेशल बेरिंग पुलर रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैं उसको लगा लिया, बेरिंग पुलर जो हमारी वेबसाइट में मिलता है, अगर आपको चाहिए नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके उसको परचेज कर सकते हो। 11 kg ब्रेकर मशीन के साइड में जाके आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे ये पुलर जो चीज है, ये बुशिंग को निकालने के लिए खुद हम बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर करते हैं, और अगर आपको चाहिए तो जरूर पार्सल हो जाएगा, लिंक नीचे है, जाके परचेज कीजिए।
और यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा चीज़ है इसको खोलने का, लेकिन अगर आप कोई दूसरा चीज़ तरीका यूज करो तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन मुझे 3 से 4 सेकंड लगा इसको निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए, और ये जो बुशिंग है ये पूरा निकल गया। फिर आप उसको कहीं पे भी दोबारा नया आर्मेचर में यूज कर सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है, उसका जो अंदर वाला बेयरिंग वो जरूर आप चेक कीजिए कि वो सही है या नहीं है, वो बात की बात है। अभी हम क्या करेंगे, कॉइल को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कॉइल में बहुत सारा डस्ट रहता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, हम नॉर्मल उसको क्लीन कर लेंगे। अगर आपका मशीन में ये ग्रीस लीकेज हो रहा है तो उसका नीचे आपको नीडल बेयरिंग के नीचे आपको रोटरी सब लिप सील मिल जाएगा, उसको चेंज कर लीजिए। आर्मेचर चेंज करोगे तो बहुत अच्छा बात रहेगा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, नया मशीन है, ये लगभग 2-3 महीना चला है, तो इसमें आर्मेचर चला गया। दोबारा हम आर्मेचर डालते हैं, इसमें ये देखिए बेयरिंग का कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टाल नहीं है, हम दोबारा इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मशीन में बेयरिंग खराब है तो ज़रूर बेयरिंग को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको भी हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम पीट सकते हैं लगा के, इसका भी पूरा आसान सा तरीका है, आप उसको लगा सकते हो। इसको ऑर्डर करना है, ये जो मैं बूश यूज़ कर रहा हूँ जो बेयरिंग को पीटने के लिए, ये किसी भी बेयरिंग को ख़राब नहीं करेगा, आप उसको आसानी से लगा के पीट सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर आप आर्मेचर को लगा रहे हो तो 2 से 2.5 mm नीचे जाना चाहिए आर्मेचर में उसका वेयरिंग, 2 से 2.5 mm हो जाएगा, नहीं तो 3 mm के आसपास ये नीचे रहना चाहिए, उसमें घाटी रहता है, उसकी घाटी के थोड़ा नीचे रहेगा। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का क्वालिटी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पावर टूल्स के रिलेटेड वीडियो आपको ये चैनल में मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आप हमारा पुराना सब्सक्राइबर हो जरूर कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कैसा लगा, अगर नया हो तो भी कमेंट कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और यहाँ पे देखिए, मैं आइडियल ग्रीस यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा ग्रीस है, जैसे कि मैं पावर टूल से बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, और ये स्पेशल ग्रीस डेली ग्रीस है, ये अगर आप यूज करोगे आपकी मशीन में तो इसमें हवरिंग का थोड़ा इंप्रूव होता है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको चाहिए जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है लगभग, अभी हम क्या करेंगे उसका कवर लगाएंगे, जिसको वेयरिंग कवर बोला जाता है। उससे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, उसका जो कार्बन होलर मैं निकाला था, या फिर कार्बन गाइड बोल लो, ब्रश गाइड बोल लो, बहुत सारा चीज बोलते हैं, तो इसको हमको लगाना है, दोनों कार्बन को लगाना है। पहले दोस्तों कार्बन होल्डर को बैठा लेता हूँ, फिर स्क्रू भेज लेता हूँ, अभी हम क्या करेंगे उसमें कार्बन लगाएंगे। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अभी हम कार्बन लगाएंगे और कार्बन लगाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा उसका जो वायरिंग रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अगर बाहर में लग जाएगा फिर उसका कवर नहीं लगेगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा। अगर ये जरूर कोशिश कीजिए परफेक्ट फिटिंग करने की, आप अगर काम कर रहे हो तो इधर इधर ध्यान नहीं दीजिए, सारा चीज़ आप ध्यान से करिए। यहाँ पे देखिए, मैं फरार प्रो का कार्बन यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है ये कार्बन भी, बहुत क्वालिटी वाला कार्बन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप यूज़ करोगे तो। इसको डंकचिंग का मैं आर्मेचर इसमें यूज़ किया, तो डंकचिंग का कार्बन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, फॉरएवर है, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है, फॉरएवर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत लोगों ने ऑर्डर करते हैं इसका कार्बन, ये अगर कोई लिया है तो आपको भी पता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो नीचे लिखिए, मेरे पास कोई भी बंदे ने ऑर्डर किया हो, मेरे पास मेरे से कोई ऑर्डर किया हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि भाई मैं ऑर्डर किया हूँ और मेरे पास सही सलामत पार्सल पहुँचा है, जो भी आपने ऑर्डर किया हो। ओके, यहाँ पे देखिए कार्बन लगाने का तरीका, आप स्प्रिंग को स्क्रूड्राइवर से निकाल लीजिए ऊपर, फिर उसका जो कार्बन का रहता है लेड वायर निकलता है वो ऊपर रहेगा, और नीचे आपका फील का कनेक्टर लगेगा, कनेक्टर में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है, दोनों तरफ कार्बन लग रहा है, अभी हम क्या करेंगे थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड जल रहा है, तो सब कुछ सही से फिटिंग हुआ है, अभी आप मत चलाइए, टेस्ट करेंगे सीरीज में टेस्ट करेंगे, अगर कंटिन्यू कॉइल में पावर सप्लाई दे दोगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा, आर्मेचर निकाल के आ जाएगा। कवर लगाइए, थ्रेड नट बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर लगाने के बाद 4 स्क्रू टाइट कर लीजिए, फिर उसमें थ्रेड नट लगाइए, फिर आप चालू कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्वालिटी वीडियो आपको ये चैनल में मिल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा मेहनत लगा के एक वीडियो बनता है, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो कोई चीज़ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाला था, अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा हमेशा पर डे एक एक वीडियो डालने के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू मैं टाइट कर लेता हूँ, ओके ये रेडी हो चुका है।
अभी दोस्तों हम थेनेट लगाएंगे। ये थेनेट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप मशीन टेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, थेनेट नहीं लगा रहे हो तो ये गलती मत कीजिए, आप जरूर थेनेट लगाइए। थेनेट लगाने के बाद उसको परफेक्टली टाइट कर लीजिए हमर में पीट के, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर आप टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम टेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए सीरीज जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कोई भी और दिक्कत नहीं है। आप अगर एडमिचर चेंज किए हो तो जरूर उसमें स्पार्क का प्रॉब्लम रहता है, अगर आपका मशीन में स्पार्क हो रहा है तो और कोई दिक्कत होगा जरूर चेक कीजिए, लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा स्मेल चेक कीजिए, मैग्नेट चेक कीजिए, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी स्पेयर पार्ट्स है चाहिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालते हैं आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।